कि राजस्थान में जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने ये मानस बनाया है, सुनिश्चित किया है। इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जनता के इस संकल्प को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए हम लोग निकले हैं। आज की यात्रा जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा प्रारंभ कराई जाएगी, कल बांसवाड़ा डूंगरपुर में वनवासी अंचल में श्रद्धेय गृहमंत्री जी प्रारंभ करेंगे, परसों पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ में सामाजिक समरसता के अग्रदूत बाबा रामदेव जी के धरती से माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी करेंगे, और फिर पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र से हनुमानगढ़ जिले में घोघाबेड़ी से आदरणीय नितिन गडकरी जी प्रारंभ करेंगे। चारों यात्राएं लोगों के मन के संकल्प को और अधिक दृढ़ करते हुए ये संदेश कि हम सुशासन देंगे, हम डबल इंजन की सरकार बना करके राजस्थान में राजस्थान को फिर एक बार प्रगति के पथ पर आरूढ़ करेंगे, इस लक्ष्य के साथ में इस संदेश को देने के लिए यात्राएं निकलेंगे। राजस्थान में पिछले 4.5 वर्षों में जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं वो शर्मसार करने वाली घटना है, लेकिन कल की प्रतापगढ़ दरियावत की घटना ने तो सबको शर्मसार कर दिया। मैं सोचता हूं कि किस प्रकार से वो महिला चीख रही थी, सरकार और प्रशासन की कानों में वो आवाज नहीं पहुंच रही थी। कमजोर शासन, लचर कानून व्यवस्था इसका प्रमुख कारण है। पार्टी के लोग और मीडिया इस मामले को नहीं उठाता तो फिर से इस मामले को दबाने का प्रयास करते, या अपराध को रोकने का काम नहीं करते, पीड़ित को न्याय देने का काम नहीं करते, पीड़ित को प्रताड़ित करने का काम ये सरकार करती है कि कैसे भी करके ले दे के मामले को रफा दफा कर दो, बंद कर दो। यही समावेदन की धरती है जहां प्रियंका जी आई थी जन्मदिन मनाने, वहां एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करके सड़क पर फेंक दिया गया, और उस समय भी प्रशासन ने उस मामले को इसलिए दबाया कि उनके जन्मदिन में खलल नहीं डाले। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कहां गया आप वो नारी वाला भाव? क्या राजस्थान की महिलाओं के साथ हो रहे दुराचार आपको दिखाई नहीं देते? राजस्थान के मुख्यमंत्री को इसके ऊपर या तो माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो गृह मंत्रालय से इस्तीफा देना चाहिए। राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार का जो कुशासन है उसमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध राजस्थान में चरम पर है, और ये आंकड़े राजस्थान सरकार के हैं जो वो एनसीआरबी को देते हैं। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि 6,500 महिलाओं के साथ दुष्कर्म एक एक साल में हो रहा है, पूरे देश के अंदर नंबर वन है दुष्कर्म के अंदर, बच्चियों के साथ अपराध के अंदर दुष्कर्म में नंबर वन है, दलितों के साथ अपराध के अंदर नंबर टू है। किस तरह के मुकाबले में राजस्थान अच्छा कर रहा है आप देख सकते हैं। भ्रष्टाचार के अंदर इन्हीं के विधायक, इन्हीं के मंत्री इन पे आरोप लगाते हैं, चाहे खनन का मामला हो उसमें लिख के देते हैं खनन माफिया, तो आपके मंत्री हैं खुद, इनके खुद के मंत्री सदन में कहते हैं कि अपने खुद के गरेबान में झांक के देखिए मणिपुर की तरफ क्या देख रहे हैं। आज वो हकीकत सबके सामने आ गई, प्रतापगढ़ का जो वीडियो आया है ये राजस्थान में हो रहा है। युवाओं की बात करी इन्होंने कि हम युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता देंगे, फलाना देंगे, बेरोजगारी भत्ता तो इन्होंने दिया नहीं, साथ साथ जो इम्तिहान होता था उसके अंदर पेपर लीक इंडस्ट्री शुरू कर दी इन्होंने। 40 लाख नौजवानों का भविष्य चौपट कर दिया इन्होंने कि पैसे दो पेपर दो, ये है इनका कानून यहाँ पर। तो ऐसी सरकार यहाँ पे कैसे टिक सकती है? ये परिवर्तन यात्रा इस बात का सबूत है कि राजस्थान की जनता ने तय कर दिया है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के पांव उखाड़ के फेंकेंगे। सर, प्रतापगढ़ की जो घटना हुई उसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि ये वही कांग्रेस का स्टेट है जो जिन्होंने हाउस में चंद दिया मणिपुर की घटना को लेकर, और जिन्होंने विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाए, उसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाए, और वही उनके अपने स्टेट में इस तरह की घटनाएं हो रही है, और ये कोई नई चीज नहीं है। हम लोग वुमेन के लिए हमेशा से समझाए राजस्थान में। कांग्रेस पार्टी डबल स्टैंडर्ड्स वाली पार्टी है, ये जो बातें करती है वो बातें खुद के ऊपर लागू नहीं होती, वो चाहती है कि जनता उसको फॉलो करे। इनके लिए, इनके परिवार के लिए, इनके मुखिया जो है उनके लिए कानून अलग है इस देश के अंदर, ये इनकी आदत पड़ी हुई है। आपने देखा किस तरह से मणिपुर जब का हुआ मामला, जो किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको सर पे चढ़ा लिया इन्होंने, दुनिया तक फैला दिया। राजस्थान के अंदर हम बार बार कह रहे हैं कि जो मणिपुर जैसी घटना है वैसी तो अनेकों घटनाएं यहां पर होती है, घिनौनी हरकतें होती है, लेकिन मानने को तैयार नहीं। तो आंख पे जब पट्टी बांधी हो किसी मुख्यमंत्री ने तो कैसे महिलाओं की सुरक्षा कर सकता है? 6,500 दुष्कर्म होते हैं राजस्थान के अंदर, हर रोज 17 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है राजस्थान के अंदर, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री आंख पे पट्टी डाल के बैठे हुए। तो ये है हकीकत राजस्थान की।